పరమశక్తి పీఠ్ సహ వ్యవస్థాపకురాలు సాధ్వి ప్రాచి వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. వేదహమ్మేతం పురుషం మహంతం ఆదిత్యవర్ణం తం స్వపరస్తాత్ త్వమేతి విదిత్వాది మృత్యుమేతి నాన్యపంథా విద్యతే అనాయ. ओम शांति शांति शांति. मंच पर उपस्थित मेरी सभी तपस्विनी विदुषी बहने, यत्र तत्र उपस्थित विद्वत वरेण्यम, इस कार्यक्रम के जिन्होंने आप सबको आनंदित की कराया, आदरणीय श्री नरेंद्र चौधरी जी, माता रमा देवी जी, श्रद्धेया भक्ति दीदी जी, और इस कोटि दीपोत्सव कार्यक्रम में आप सबके दर्शन कराने का जिन्होंने मुझे मौका दिया है, आदरणीय भाई सुभाष जी, मेरी स्नेहमयी वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी भक्ति और शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, सभी राष्ट्र प्रेमी देश प्रेमी बंधुओं, अभी मुझसे पूर्व आदरणीय साध्वी जी बता रही थी कि हम सब धार्मिक बने, लेकिन किसी ने पूछा कि व्हाट इज रिलीजन, यानी धर्म क्या है, तो उत्तर मिला कि योग करना धर्म है, किसी ने कहा गौ सेवा करना धर्म है, किसी ने कहा मंदिर में आरती पूजा करना धर्म है. मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूं कि मुझे वेदों में पीएचडी करने का अधिकार मिला गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से, तो वेदों में आया ए संसार के लोगों, गौ पूजा करना भी धर्म है, योग करना भी धर्म है, लेकिन याद रखो धर्म धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जाता है, जैसा हम अपने लिए सोचते हैं ऐसा हम दूसरे के लिए सोचे, मानो यही धर्म है. व्यक्तिगत धर्म है, गीता में आया, परिवार का धर्म है, समाज का धर्म है, और राष्ट्र धर्म है. आज हम सब विचार करें इस दीपोत्सव में बैठ करके कि हम कौन सा धर्म निभा रहे. देश के प्रधानमंत्री ने अपना धर्म निभाया, लेकिन हम कौन सा धर्म निभा रहे हैं, यहां पर यह विचार करने की बात है. हम यहाँ पूजा पाठ करके मैं बड़ी खुश हूँ, बड़ी प्रसन्न हूँ आप सबको देख करके कि आप बड़ी श्रद्धा से, आस्था से, निष्ठा से और समर्पण से, इतने तन्मयता से आप पूजा कर रहे हैं, मैं बड़ी आनंदित हो रही हूँ. लेकिन ये पूजा पाठ करके तीसरी करके और अपने घर चले जाए तो ये उचित नहीं, इसलिए हम यहां से कुछ धारण करके जाए, हम अपनी झोली में कुछ लेकर के जाए, संतों का आशीर्वाद लेकर के जाए, और राष्ट्र हित में हमारी क्या भूमिका है उस पर विचार और चिंतन करें तो हमारा जीवन सफल है. इसलिए मैं इतना ही निवेदन करती हूं, इतना ही निवेदन करती हूं माताओं बहनों, कहो मिलकर के कि मेरा परिचय इतना, मैं भारत की तस्वीर हूं, मातृभूमि पर मिटने वाले मतवालों की पीर हूँ, मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस झूला झूल गए, मैं उन वीरों की भगनी हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा की अमर सहेली,
पन्ना की प्रतिछाया हूँ, हड्डी की हूँ अमिट निशानी और जसवंत की माया हूँ। मैं कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। उस तस्वीर को बनाने के लिए हम सब यहाँ पर विचार करें, संकल्प करें और चिंतन करें। इतना ही कह करके इस दीपोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित सभी भद्र पुरुषों को मैं शुभकामनाएं और सभी को इस कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबके परिवारों में अन्न धन की सदैव वृद्धि होती रहे। आप सदा खुश रहो, रहो सदा आबाद। इस सुंदर बेला में मेरा आप सभी को यही आशीर्वाद, यही आशीर्वाद, यही आशीर्वाद। परम शक्तिपीठ सह व्यवस्थापकुरालु साध्वी प्राची वारिकी धन्यवादालु।